Ladies and gentlemen, recognizing and addressing child abuse is essential for protecting our children's right and ensuring their safety and protection. To talk on the topic, we have a very sweet, dedicated and hardworking professor and head of department, Lahore General Hospital. She's editor, Journal of Pakistan Association of Dermatology and author to several publications. She's a supervisor and examiner of dermatology and an inspiration to many of us. Thank you so much, Dr. Faria, for inviting me here. So it's an honor for me. और टॉपिक ऐसा सब सीनियर्स बैठे हुए मेरे उस्ताद बैठे हुए डर लगता है तो लेट्स मैडम नजर ही पड़ी है मेरी पहले सलामदारी अस्सलामुअलैकुम सर तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम टॉपिक चाइल्ड अब्यूज सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज इन पीडियाट्रिक पॉपुलेशन और ये लेक्चर मैं तैयार कर रही थी तो आहिस्ता आहिस्ता मेरा डिप्रेशन इंक्रीज हो रहा था और थोड़ा बनाने के बाद और पढ़ने के बाद ना मैंने मुड़ के अपनी बेटी की तरफ देखा वो साइकोलॉजिस्ट है मैंने कहा बेटा मुझे लगता है कि पाकिस्तान में हम बहुत सारे बच्चों का बहुत अब्यूज़ करते तो उसने कहा नहीं हम सारे बच्चों का पाकिस्तान में अब्यूज़ करते हमें पता ही नहीं कि बच्चों को ट्रीट कैसे करना चाहिए तो ये आई ओपनर था मेरे लिए भी कि हमारे लिए जो रूटीन है जिसको हम कहते हैं कि ये हमारा कल्चर है जी ये तो हमारा कल्चर है वो उसमें बच्चे की साइकोलॉजी हम सारी ख़राब कर देते हैं तो चाइल्ड अब्यूज़ की बात करते हैं चाइल्ड अब्यूज़ है क्या इट्स फिजिकल सेक्शुअल इमोशनल एंड और साइकोलॉजिकल मेल ट्रीटमेंट और निगलेक्ट ऑफ अ चाइल्ड स्पेशली बाय अ पेरेंट और अ केयर गिवर ये चाइल्ड अब्यूज़ की ये डेफिनेशन है फिजिकल सेक्शुअल इमोशनल साइकोलॉजिकल मेल ट्रीटमेंट या निगलेक्ट यानी आप कोई काम करने से रह भी जाते हैं और छोड़ भी देते हैं तो वो भी चाइल्ड अब्यूज में आ जाता है और ये चीजें जो हैं अब मैं एक एक करके आपको बताती हूँ कि इनका क्या मतलब है अब निगलेक्ट सबसे कॉमनेस्ट फॉर्म है चाइल्ड अब्यूज की और ये हम हेल्थ केयर ही नहीं कर रहे बच्चे की सेहत का ही नहीं ख्याल रख रहे उसकी एजुकेशन का नहीं कर रहे उसको हम सुपरवाइज ही नहीं कर रहे कि बच्चा बैठा हुआ सारा दिन क्या कर रहा है किससे मिल रहा है ठीक है और एनवायरनमेंट में क्या हैजर्ड्स हैं यानी एक जो अनफॉर्चुनेट सी बात है हमारे स्विचेस सारे नीचे लगे हुए होते हैं हमारी टेबल्स के सारों के शार्प कोने होते हैं हम पानी के पास यदि कहते हैं कि एक इंच पानी भी होता अपने बच्चे को वहाँ अकेला नहीं छोड़ो तो पानी के पास बच्चे को अकेले छोड़ो यानी इतने पेशेंट्स आते हैं और सबके पास आते होंगे जो ओ जी वो कढ़ाई थी तो बच्चा गिर गया यानी भी मेरे पास कल परसों एक आया कि वो जी पकौड़े बन रहे थे तो बच्ची भागती हुई है वो सीधी हेड ऑन कढ़ाई में गिरी तो ये इट्स अ फॉर्म ऑफ चाइल्ड अब्यूज फिर फिजिकल अब्यूज हम वी एज डर्मेटोलॉजिस्ट आर मोर लाइकली टू सी पेशेंट्स हु आर फिजिकली अब्यूज्ड और सिर्फ हम अपने डिफरेंशियल डायग्नोसिस में वी शुड कीप इन माइंड कि जो चीज़ हमें अनयूजुअल नज़र आ रही है कहीं ये चाइल्ड अब्यूज तो नहीं है तो इसमें क्या हो सकता है बीटिंग शेकिंग बर्निंग बाइटिंग ठीक है और अपने बच्चों के साथ तो शायद हम अपने सगे बच्चों के साथ तो कम करते हैं लेकिन जो सौतेले बच्चे होते हैं या जो डोमेस्टिक हेल्प होती है जो घर में काम करने वाले बच्चे होते हैं उनमें ये बहुत ज़्यादा परसेंटेज मिलती है हमें इस चीज़ की उसका उसका साइकोलॉजिकल अब्यूज़ ज़्यादा होता है कुटेनियस मैनिफेस्टेशंस क्या क्या होंगी इस चीज़ की ना आपको एक्सीडेंटल और इंटेंशनल इंजरीज में डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि कैसे करेंगे और ये कैसे होगा ना आपको हिस्ट्री थोरो लेनी पड़ती है जैसे बड़ा जोर देते हैं हिस्ट्री के ऊपर और बहुत सारे लोग हम बड़ी जल्दी करते हैं अच्छा देख लिया ना हमें पता लग गया क्या चीज़ है तो जब तक आप हिस्ट्री नहीं लेंगे और हिस्ट्री में आपको लेक्यूना नहीं मिलेंगे ये कंसिस्टेंट नहीं है पेशेंट की बच्चे की फाइंडिंग्स के साथ ये मैच नहीं कर रही हिस्ट्री उस वक्त तक आपको पता नहीं लगेगा और फिर अगर कोई खुदा न खास्ता फ्रैक्चर है या कोई और चीज़ है
तो आपको एक्सरेज और ब्लड टेस्ट सारे करने चाहिए। मुझसे तस्वीरें लगाई नहीं गई सारी जो चाइल्ड अब्यूज की मैंने देखी, मेरे से नहीं, मैं वहां बैठ के रोना शुरू हो गई कि जिस तरह जो सेक्सुअल ट्रॉमा के बाद जो पेरी एनल टीयर्स जो आए हुए थे बच्चों के और जो हाल था। तो बहरहाल ये सबसे कॉमन हम देख सकते हैं, मारने का जो ब्रूजेस बनते हैं ये एक कॉमन फाइंडिंग है जो हमें पिक कर लेनी चाहिए कि एज डर्मेटोलॉजिस्ट हम देखें तो हमें ये जहन में हमारे होना चाहिए कि ऐसे निशान जो है वो किसी चीज़ से मारा गया है और वो ब्रूजेस ऐसे बने हुए हैं। और फिर हमें पता होना चाहिए कि पेशेंट अगर उसके केयर गिवर आके आपको हिस्ट्री दे रहे हैं कि ये जी ये तो कल चोट लगी या परसों चोट लगी है, तो वो ब्रूज का क्या टाइमिंग्स होती है, कैसे एजिंग होती है ब्रूजेस की, तो हम ज़्यादा बेहतर पोजीशन में होंगे कि डायग्नोज कर लें। ये सिगार बर्न है, सिगरेट बर्न्स हैं, बच्चों के साथ ऐसा सलूक किया जाता है, यहाँ भी किया जाता है, बाहर भी किया जाता है। फिर साइकोलॉजिकल अब्यूज क्या है? वर्बल ह्यूमिलिएशन है और ऐसे एक्ट्स हैं जो बच्चे को स्केयर हो जाता है, बच्चा डर जाता है ऐसी बातें उसको कहना, ठीक है। तो ये सारी जिंदगी का एक साइकोलॉजिकल इश्यूज बच्चों के रह जाते हैं अगर आप बच्चे को डरा डरा के काम करा रहे हैं, ये नहीं करो बिल्ली आ जाएगी या जिन आ जाएगा या इस तरह के बहुत सारे, बहुत दुखी आ भी जाता पापा अब्बा तो शायद फिर वो इन जिनों के मुकाबले में, और वो और बाहर क्लिनिक पे आवाज आ रही होती थी चुप कर जाओ डॉक्टर टीका लगा देगी, मैं कहा भाई मेरे से क्या दुश्मनी करा रहे हो बच्चे, मैं रोते हुए अंदर आते। और फिर आइसोलेटिंग इग्नोरिंग और रिजेक्टिंग अ चाइल्ड, अच्छा ये भी बहुत है क्योंकि अब मैं थोड़ी सी ट्यून हुई नहीं हूँ ना, तो अगला बेबी आता है तो पहला बेबी निगलेक्ट हो जाता है। और वो कल भी एक फैमिली आई तो वो छोटा बेबी 2 मंथ्स का और बड़ा 2 ईयर्स का, तो वो साथ उसके नाना बैठते थे, वो बहुत बड़ी हो गई है 2 साल वाली, मैं कहा प्लीज़ ये ना करें कि वो बच्ची ही रहेगी बहुत अरसे तक, तो वो ये इस तरह निगलेक्ट होता है, डांटे सुनते हो तो वह क्लिनिक में हम सबको एक्सपीरियंस होगा कि बच्चे चीज़ें छेड़ना शुरू कर देते हैं तो किस तरीके से माँ और बाप उसको टैकल करते हैं, तो वो सारा अब्यूज़ में आ जाता है, अब्यूज़ करते हैं हम अपने बच्चों का। फिर सेक्शुअल अब्यूज़ क्या है? सेक्शुअल अब्यूज़ अनफॉर्चुनेट रियलिटी है हमारे माशरे की, ऑफिशियल डेटा नहीं है हमारे पास अपना सेक्शुअल अब्यूज़ का। सेक्शुअल अब्यूज़ का ये इंडिया की एक स्टडी मैंने देखी तो उसमें उन्होंने कहा, सर्वे किया तो 76% रिस्पोंडेंट्स ने कहा कि हम एज अ चाइल्ड हमारा अब्यूज़ हुआ है। 76% इज़ अ वेरी लार्ज नंबर, और मेरा नहीं ख्याल कि हम उनसे कोई डिफरेंट माशरे के लोग हैं। और इनमें से 76% ने कहा कि फैमिली मेम्बर ने अब्यूज़ किया, ठीक है। तो वो ऐसी चीज़ें पढ़ने के बाद जब मैं देखती हूँ कि बच्चा आपने किसी रिश्तेदार की गोद में दिया हुआ है तो मेरा दिल करता है कि वही माँ को, क्योंकि अक्ल नहीं है तुम्हें। पाकिस्तान की ये एक स्टडी मुझे मिली, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन ने ये पब्लिश की थी चाइल्ड अब्यूज़, उसमें ऑफिशियल डेटा तो इनके पास कोई भी नहीं था लेकिन अनऑफिशियली इन्होंने बताया कि 15-25% बच्चे जो हैं वो सेक्सुअली अब्यूज होते हैं। और ये स्कूल चिल्ड्रन पे स्टडी हुई तो 88.7% ने कहा कि फिजिकल अब्यूज, और पिंडी में स्टडी में 17% ने कहा कि सेक्सुअल अब्यूज हमारा, इसमें लड़कों का ज़्यादा है सेक्सुअल अब्यूज। तो लड़कों का हम समझते हैं कि कोई भी नहीं करेगा लेकिन लड़कों का ज़्यादा सेक्सुअल अब्यूज है, और ज़्यादातर जिनका अब्यूज हुआ वो 13 ईयर्स से छोटे थे। और 80% केसेस में ये हमारी बात हो रही है, हमारे डेटा की, क्लोज एक्विंटेंस जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर रहे होते, जिसके ऊपर बच्चा भी ट्रस्ट करता है, जिसके ऊपर पेरेंट्स भी ट्रस्ट कर रहे होते। और जो प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व है हमारे मुल्क में बच्चे, 40,000 बच्चे प्रोस्टिट्यूशन में, और वो कैसे होते हैं ना, वो ट्रेजिडी, मतलब वो दिमाग से नहीं निकलता जो किस्से सुने कि वो 8 अक्टूबर को जो अर्थक्वेक हुआ था, यहाँ से लोग भागे हैं बच्चे पकड़ने के लिए, प्रोस्टिट्यूशन के लिए, बेगर्स बनाने के लिए। तो ये इस तरह हम अपने बच्चों के साथ करते हैं।
सेक्सुअल अब्यूज की है स्टोरी, वो ये एक हमारी एनजीओ साहिल है, उसने ये बताया कि एवरी डे 12 चिल्ड्रन आर सेक्सुअली अब्यूज्ड इन पाकिस्तान. ये पिछले साल की इनकी स्टडी है. और एवरी डे 12 चिल्ड्रन का मतलब है कि हर 2 घंटे के बाद एक बच्चे का सेक्सुअल अब्यूज होता है. और ये वो स्टोरीज हैं जो रिपोर्ट होती हैं, और ये टिप ऑफ द आइसबर्ग ही होता है हमेशा, क्योंकि इस रिपोर्टिंग के साथ एक शेम अटैच्ड होती है सेक्सुअल अब्यूज की रिपोर्ट देना. क्योंकि पहले स्टेप पे तो बच्चा ही नहीं बताता, वो समझता है कि शायद मेरी कोई गलती है जो मेरे साथ ये हो रहा है. फिर उसके बाद अगर वो अपने पेरेंट्स को बता देता तो पेरेंट्स को ये शर्म आती है कि लोग क्या कहेंगे अगर उनको पता लगेगा कि हमारे बच्चे के साथ ये हुआ, बच्चे के साथ ये. तो ये अंडर रिपोर्टिंग में भी हमारे डेली 12 बच्चों का सेक्सुअल अब्यूज होता है. और ये जो इनकी स्टोरी है 2227 केसेस, इसमें से 164 सेक्सुअल अब्यूज के थे, 984 एबडक्शंस किडनैपिंग हो गई, 201 मिसिंग, और 14 जिनकी अंडर एज शादी हुई थी ये वो थे, और 53 केसेस पोर्नोग्राफी और 1 केस ऑफ इंसेस्ट. और ये है कि फिर लड़कियां कम या एक्चुअली कम हैं या अंडर रिपोर्ट होती हैं, लेकिन फिर हर रिसर्च में लड़के हमेशा ज़्यादा जो है वो अब्यूज हो रहे हैं माजरत के साथ. अच्छा, अब क्या हेल्थ कॉन्शियस चाइल्ड अब्यूज का क्या नतीजा निकलेगा? ठीक है ना, बच्चा तो बड़ा हो जाएगा, टाइम वो गुजर जाएगा, लेकिन बच्चा उसको हो जाएगा एसटीडी का रिस्क इंक्रीज हो जाएगा. क्यों हो जाएगा? क्योंकि या तो वो डायरेक्ट सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर लिया उसके, या उसको ऐसे ऐसे किस्म के उसके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो गए कि वो प्रोमिस्कुअस हो गया उसके बाद बच्चा. और फिर जब वो ये सारे इश्यूज हुए तो फिर उसके पार्टनर भी उसने रिस्की चूज करने शुरू कर दिए अपने साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से. तो एसटीडीज के चांसेस जो है वो ऐसे बच्चों में फिर इंक्रीज हो जाते हैं उस वक्त भी और एडल्टहुड में भी जाके, कि वो ऐसे बिहेवियर में पड़ जाते हैं जो उनका एसटीडीज का रिस्क बढ़ा देता है. और जो एसटीडीज वाले पेशेंट्स हैं उनमें से डिफरेंट स्टडीज में ये नंबर कोट हुए कि 5-74% ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हम अब्यूज्ड एज अ चाइल्ड हुए थे. और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस वो हैं जो ओनली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है, उसके अलावा वो भी डिजीजेस हैं जो उस वक्त मौजूद हैं उस एरिया में, जैसे स्केबीज हो गई और टीनिया हो गई, वो भी सेक्सुअली ट्रांसमिट हो जाती है, गनोरिया. ठीक है, इसमें वल्वो वेजेनाइटिस गर्ल्स में होगा और यूरिथ्राइटिस बॉयज में होगा. और इसके बाद क्लेमाइडियल इन्फेक्शन हो गई, ये भी वेजेनाइटिस यूरिथ्राइटिस और नॉन गोनोकोकल यूरिथ्राइटिस बॉयज में करेगी. डायग्नोसिस इसका टिश्यू कल्चर पे होता है. सिफिलिस सेकेंडरी सिफिलिस के साथ प्रेजेंट करते हैं बच्चे, और बहुत हमने देखे हैं. और अनफॉर्चुनेटली देर इज़ नो सिस्टम के जो हम उनको रिपोर्ट करें और जो भी द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग दिस प्रॉब्लम इज कॉट एंड ट्रीटेड एज वेल. हमारे पास कितने आते हैं मदरसे के बच्चे जिनको सेकेंडरी सिफिलिस आप देख लेते हैं और उसके बाद कोई सिस्टम नहीं है हमारे पास कि हम करने वाले को अंजाम तक पहुँचा सकें. हर्पीज भी कॉमन है, ये भी एसटीडी. फिर एनोजेनिटल वार्ड्स के बच्चे आते हैं हमारे पास, सब देखते हैं. एमसीज आ गए पेरिएनल रीजन में, जेनिटल एरिया में. एचआईवी के एचआईवी मुख्तलिफ तरीक़ों से ज़ाहिर है वो भी होता है, लेकिन एक तरीका ये है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड हो सकता है ये. और पाकिस्तान में ये डाटा मुझे डॉक्टर फारिया ने ढूंढ के दिया कि इस पिछले साल 2407 मेल चिल्ड्रन और 1705 फीमेल चिल्ड्रन जो हैं उनको एचआईवी है. अब इनमें से कुछ मदर टू चाइल्ड वर्टिकल ट्रांसमिशन भी होती है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो सेक्सुअली अब्यूज़ की वजह से या नीडल्स शेयर ड्रग्स की वजह से उसकी वजह से उनको ये एचआईवी कंट्रैक्ट कर लेते हैं. अब आसानी तो है हमारे पास कि हम उसको ट्रीट कर देते हैं और तकरीबन नॉर्मल लाइफ स्पैन होता है, लेकिन द ट्रॉमा ऑफ गेटिंग एचआईवी इन्फेक्शन और लिविंग विद दैट
वो एक एडेड बर्डन है लाइफ के और मसाइल के बीच में. हेपेटाइटिस बी एंड सी भी आपका ट्रांसमिट होता है सेक्सुअल अब्यूज की वजह से, बैक्टीरियल वजनोसिस हो सकता है. अब ये जो आई कैन नॉट प्रोनाउंस इट प्रॉपरली, पोर्नोग्राफी जो है, इस पोर्नोग्राफी में तो पंजाबी वाले स्टाइल में पोर्नोग्राफी कहते थे, अब आजकल जरा तो पोर्नोग्राफी जो है ये FIA के इन्होंने बताया, साइबर क्राइम विंग डायरेक्टर जनरल ने, पंजाबी जिस तरह भी, कि ये जो है ना यहाँ बिजनेस है पाकिस्तान में ना ये. और ये मैं पढ़ रही थी तो ये ना जैसे श्रीलंका में बहुत बड़ा बिजनेस है ये कि बच्चे अब्यूज होते हैं, तो श्रीलंका में वो कहते हैं कि टूरिस्ट इसलिए ज़्यादा आते हैं वेस्ट के, कि वहाँ पे उनके बच्चे बिकने के लिए तैयार मिलते हैं उनको ना, तो ये. लेकिन हमारे यहाँ आपको पता ही है कसूर वाला जो स्कैंडल था बच्ची के साथ, वो उसके बाद वो कसूर से निकला तो था लेकिन वो दबा दिया गया केस, कि वो सारा पूरा एक रैकेट था जिसमें वो बच्चों को और ऑनलाइन व्यूज, यानी वीडियोस बन रही हैं, ऑनलाइन सेल हो रही है, लाइव वीडियो बेची जा रही है ना वो, कि वो ठीक है आप टाइम लें और यहाँ वो बच्चे को अब्यूज कर रहे हैं और बाहर से बैठ के वो देख रहे हैं. ये फिर दूसरा हमारी जो ट्रेजिडी है डोमेस्टिक हेल्थ अब्यूज वाली, 72% ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स इन द कंट्री हैव एंड्योर्ड द हॉरर्स ऑफ अब्यूज, फिजिकल वर्बल एंड सेक्शुअल. तो आई ओपनर ही के तौर पे था ये लेक्चर, के एक हमें हम अवेयर हों एक चीज़ के, ताकि हम कोई प्रोग्राम बना सकें और कुछ हेल्प कर सके इसको प्रिवेंट करने की. वरना ये मैंने डॉन से उठाया तो वी हैव फेल्ड आवर चिल्ड्रन, तो ये फैक्ट ऑफ द मैटर इज दिस, कि हम नहीं अपने बच्चों को बचा सकते, हमें पता ही नहीं कि हमें क्या करना चाहिए अनफॉर्चुनेटली. तो थैंक यू वेरी मच. साथ उनको लो सेल्फ स्टीम में डाल देते हैं, डॉक्टर साहब उसको देखिए इतनी इसकी काली स्याह हो गई है, इसलिए इतनी गोरी होती थी, काला हो गया, मोटा हो गया, देखिए इसके बाल हो गए. मतलब मोस्ट सिंसियर पीपल आर पुटिंग देयर ओन चिल्ड्रन इनटू अ लॉट ऑफ लो सेल्फ स्टीम. सेकंड जो है जो आप ये कह रही हैं बॉयज आर मोर सेक्सुअली अब्यूज्ड, क्योंकि हमारी जो माशरे में होता है कि बॉयज आर सेफ, गर्ल्स नीड टू बी प्रोटेक्टेड, तो जो बॉयज को भेज देते हैं बाहर या इधर उधर. और आई एम वेरी वरीड क्योंकि हम लोग रियलाइज सेंडिंग द चिल्ड्रन टू द ट्राइबल्स, आई एम नॉट सेइंग दैट ऑल आर बैड, बट ये जो होता है ना अनप्रोटेक्टेड स्टैगरिंग नंबर, यस, और वो बॉयज और वो जो होते हैं इसके लिए मोर एक्सपोज्ड देन द गर्ल्स, इसलिए उनका नंबर भी ज्यादा. एक सिर्फ बात मैंने बताई थी, आपने कहा था कि वी डोंट नो वेयर टू रिपोर्ट एंड वेयर टू हेल्प, देयर इज अ चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो, इट्स नंबर इज ऑनलाइन, एंड इफ वी हैव एनी सस्पिशन दैट समबडी इज बीइंग अब्यूज्ड आइदर अ होम हेल्प और अ चाइल्ड और एनीवन, तो वी कैन इमीडिएटली रिपोर्ट इट देयर एंड दे डू टेक एक्शन. आई हैव हमारे नेबर्स में एक किस्सा सा वाक्य हुआ था, उनकी बच्ची जो थी जो उनके घर में काम करती थी उसको वो शायद मारते पीटते थे, तो हम मैंने तो नहीं, लेकिन किसी और नेबर ने उनका उसको रिपोर्ट किया एंड दे केम टू देयर हाउस, तो दे डू कम, सो वी शुड नो दैट. उनका नंबर शायद नेट पर होगा आई एम श्योर. थैंक यू. थैंक यू मैडम फॉर द वंडरफुल प्रेजेंटेशन, इट वाज एन आई ओपनर. आई वुड लाइक एंड यस द चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो एंड देन देयर वाज एन ऐप लॉन्च्ड बाय ज़ेनब अलर्ट, उनके को ऐप लॉन्च हुई थी. So people are doing things but we need to do more, and I think जो abuse की start की थी which was low self-esteem, जैसे madam ने कहा, मुझे ऐसे लगता है जैसे थोड़ी सी pre-marital counseling हमारे society में चाहिए होती है, how to become parents. हम doctor तो बन जाते हैं मगर one fine day हमारी शादी हो जाती है और हमारी गोद में एक अल्लाह तला दे देते, किसके साथ अब करना क्या, कि थोड़ी सी प्री मैरिटल काउंसलिंग ऑन द साइकोलॉजी, कि आप बच्चों को कैसे ट्रीट करें. इवन 5 साल के बच्चे को जब आप ग्रेड करते हैं, एक को कहते हैं ये विनर है एंड लेस पूरी क्लास समझती है वी आर लूजर्स, तो ये भी एक चीज़ है. थैंक यू जी.
एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि वेस्ट में एक सब्जेक्ट है और वह है सेक्सुअल एजुकेशन, और जितने देसी उस पर प्रोटेस्ट करते हैं कि ये जो है ना ये नहीं होना चाहिए, और बहुत सारे वहाँ जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को निकाल के इस्लामिक स्कूल में डाल देते हैं कि जी हमने इनको नहीं। तो मैंने एक दिन अपनी बेटी से पूछा क्या पढ़ाते हैं, तो उसने कहा जी कि सबसे पहले तो ये बताते हैं कि इन अप्रोप्रिएट टच क्या चीज़ होती है, और मेरे ख्याल कि यहाँ हम इन अप्रोप्रिएट टच को कभी एजुकेट नहीं करते अपने घर में अपने बच्चों को अपने स्टूडेंट्स को। अगर हम ये इन अप्रोप्रिएट टच ही उनको सिखा दें तो मेरे ख्याल बहुत सारी चीज़ों से हम बच सकते हैं। तो हाँ घर घर में मैडम